क्या पोस्ट प्रोडक्शन किसी भी हॉलीवुड फिल्म को मात देगी, ऐतिहासिक फिल्म मर्यादा पुरुषोत्तम के लिए। युवाओं में बहुत इसका जोश है। सुबह 9 बजे का शो गोरखपुर में हूँ और बहुत शानदार तरीके से इसकी शुरुआत हुई, 1000 टिकट आज ही बिक गई है। तो ये शानदार ओपनिंग, इससे पता चलता है सनातनी विचारधारा परिवार को लेके सारे 100 करोड़ हिंदू में एक जागरूकता अपने बच्चों को जनाने के लिए कि मर्यादा पुरुषोत्तम, पुरुषोत्तम उत्तम कैसे हो सकते हैं, पुरुष एक उत्तम कैसे हो सकता है, और एक प्रभु राम के चरित्र को आप अपने जीवन में कैसे लागू करें। प्रभु राम के चरित्र को अगर आप जीवन में लाते हैं तो ये देश विश्वगुरु बनेगा, जो मेरे यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी चाहते हैं कि मेरा देश विश्वगुरु बने। लेकिन उसकी विचारधारा एक सनातनी हो, एक विचारधारा के साथ चलें, प्रभु राम के रास्ते पे चलें, वो पालन करें और शक्तिशाली बने और एक एग्जाम्पल सेट करें। शानदार फिल्म, मैं चाहूंगा सब लोग देखें। अगर ये फिल्म कोई मिस करता है तो वो उसका बैड लक है। ये बहुत ही शानदार फिल्म है। जैसे कि हम हिंदू ये जानते हैं कि हमारी जब भी राम कथा होती है घर में या जहाँ गांव देहात में, वहाँ पे हनुमान जी स्वयं विराजमान रहते हैं और ये सत्य है। तो उसी तरह पे प्रोड्यूसर भूषण कुमार जी ने ये सोचा, ओम जी जो डायरेक्टर, उन्होंने सोचा कि एक हमारी प्रभु राम हर सीट पर रहेंगे तो भारत के जितने भी सिनेमाघर हैं वहाँ पर एक सीट हनुमान जी के लिए खाली रखी गई, जो बहुत ही सुंदर पहल है और मैं साधुवाद देता हूँ सभी को। बॉलीवुड एक बार फिर से रामायण की तरफ बढ़ा, जैसे आज आदिपुरुष रिलीज हुई है, राम सेतु आ रही है, रामायण इसको लेके। देखिए, सिनेमा जगत में बहुत कम लोग को पता है कि पूरे विश्व में 9 कहानियां ही घूमती हैं। मैंने 700 फिल्म की है, जितनी भी कहानियां हैं 9 कहानियों पे ही इर्द गिर्द हैं। रामायण से या महाभारत से ही सब लोग प्रभावित है, उसी को तोड़ मरोड़ को आज तक दिखाया जा रहा है। लेकिन ये पूरे रूप में संपूर्ण रामायण के रूप में एक राम कथा आई है और ग्राफिक के साथ 500-600 करोड़ रुपया इस पर खर्च हुआ है, तो ये बड़ी शानदार पहल है। हालांकि रामायण और महाभारत से ही सारी सिनेमा की कहानियाँ प्रभावित रही हैं आज तक इतिहास में, 9 कहानियाँ पूरे विश्व में, उसी के इर्द गिर्द सारा सिनेमा बनता है। तो ये बहुत शानदार पहल की है प्रोड्यूसर ने और ये तानाजी इन्होंने, इस डायरेक्टर ने बनाई थी ओम जी ने, तो बहुत शानदार फिल्म। ऐसा माना जाता है कि फिल्में समाज के आईना होती है, ये ऐतिहासिक, लोगों को गला मिलेंगे फिल्मों से। ये बच्चे हमारे, हमारी पीढ़ी, एक्साइटमेंट हमारे बच्चों में बहुत है, युवाओं में बड़ा जोश है इस फिल्म को देखने का और रामायण का, प्रभु राम को जानने का, हमारे इतिहास को, हमारी जड़ें क्या हैं। हिंदू हम कितने हजार सालों से हिंदू हैं, हजारों हजारों साल से, तो हमारी जड़ें कौन थी, हमारे भगवान कौन थे, ये हमारे बच्चों को जानना बहुत जरूरी है। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।